करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा और आज जो शेफ नौरीन ने बनाए हैं, फ्रिटर्स को कह लें, केक्स कह लें, जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन वो इतनी अमेजिंग है। इससे पहले भी चावल के आटे के और उन्होंने इस तरह के मैदे में मिला के कुछ बनाया था और वो इतना अमेजिंग बना था, इतना डिलिशियस बना था कि हम लोग सब फ़ैन हो गए थे। आज की रेसिपी भी जो बनाई है शेफ नौरीन ने, वो बहुत ज़बरदस्त है। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे के दिन जब नमाज की अदायगी करेंगे तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जुमे के हिसाब से आपको पता है हम दीनी बातें करते हैं, दीनी तालीमात हासिल करते हैं और आज जो हमें हमारे साथ मौजूद हैं हस्ती, उन सबको आप, उनको आप जानते हैं, हमारे शो में अक्सर व बेशतर आते हैं, जनाब मुफ्ती वसीम बंदगी साहब बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमारे साथ हमारी नातखुआ सहेली भी मौजूद है रुबीना, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूंगी मैं सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब तो शुरुआत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी आज हम इंतहाई अहम उनवान और टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो है सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जिसे सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। देखिए, बहैसियत मुसलमान हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के ज़रिए कुछ तालीमात इरशाद फरमाई हैं, ज़िंदगी गुजारने का कुछ तरीक़ा हमें दिया। लेकिन कुरान एक उसूल की किताब है, एक थ्योरी है, उसका हमें एक प्रैक्टिकल भी चाहिए जिसको हम अपने लिए आइडियल बनाकर या अपने लिए रोल मॉडल बनाकर या उसे एक नमूना बनाकर अपने सामने रख कर हम अपनी ज़िंदगी मुरतब करें और उसके मुताबिक हम अमल करें। सुभान अल्लाह। उसका नाम हम रखते हैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इंतहाई अहम चीज़ है और बिलखसूस मैं इस महीने की मुनासबत से अपने तमाम नाज़रीन से ये कहूँगा कि वो सीरत रसूल के उनवान को अपनी ज़िंदगी का उनवान बनाएं। सीरत रसूल आजकल कुतुब दस्तयाब हैं, उर्दू के अंदर भी बआसानी मिल जाती हैं। इसको ख़ुद भी पढ़ना है, इसको अपने बच्चों को भी सिखाना है और अपने माशरे में इसको हमें राइज भी करना है, क्योंकि अगर हम इसको राइज कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी पुरसकून भी हो जाएगी, खुशहाल भी हो जाएगी और बहुत ही नफ़ा आवर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर अप्लाई करके एक बेहतरीन सीरत, बेहतरीन नमूना हुजूर की सीरत की सूरत में हमें अता फरमाया है। देखिए कुरान पाक, उसको अगर हम अमली शक्ल में देखना चाहें या इसको बालफाज दीगर में यूँ कहूँ कि हम इस्लाम की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी को दिखाएं ये इस्लाम की शक्ल व सूरत है, ये इस्लाम है, तो उसके लिए हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि कुरान जितना भी है, पूरा का पूरा कुरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमली तौर पर करके बता दिया है। एक बार ऐसा हुआ, एक साहब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर की ज़ौजा मुहतरमा है, आपसे पूछा कि हमें अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में बताइए। तो आपने फरमाया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? उन्होंने अखलाक हसना से जो है सवाल किया था कि अखलाक हसना कैसे हैं हुजूर के, फरमाया कुरान पढ़ो, जो कुछ कुरान में लिखा है अलहम्द से लेके वन्नास तक, फरमाया वो सारा का सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हसना और आपकी सीरत तय्यबा है। अच्छा देखिए, सीरत अल्फाज से दीगर, यानी आसानी से अगर इसको मैं कहूँ, करेक्टर, किरदार, जो कुछ हम करते हैं, यानी आप गुफ्तगू कैसे करते हैं, आपका रवैया कैसा है, आपका मिजाज कैसा है, आप बड़े और छोटे के साथ किस अंदाज से पेश आते हैं, आपके जो पड़ोसी हैं उनसे आपका रवैया कैसा है, घर वालों के साथ आपके मामलात कैसे हैं, आप गुफ्तगू कैसे करते हैं, आप लेन देन कैसे करते हैं, आप दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं और दुश्मनों से क्या रवैया रखते हैं, ये तमाम चीज़ों को अगर हम जमा करें तो इसका नाम है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे लिए इंतहाई अहम है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छी अच्छी थ्योरीज पेश करें, लेकिन अगर उसका कोई प्रैक्टिकल ना हो तो तब तक वो चीज़ मुअस्सर नहीं होती है। अगर किसी चीज़ को पुरतासीर बनाना है, मुअस्सर बनाना है, तो फिर
उसको किरदार में लेके आना होता है, उसको अपने करेक्टर में लेकर आना होता है। और हमारा यही अलमिया है कि आज के दौर में हमारे पास तालीमात तो बहुत बेहतरीन हैं, थ्योरीज हमारी बहुत ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं, अगर कमी है तो वो करेक्टर नहीं है, किरदार नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को करके बताया, इसीलिए इसको अल्लाह ने हमारे लिए ये इरशाद फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी रसूल की ज़िंदगी को सामने रखो, उनके किरदार को सामने रखो, उसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए आइडियल करार दिया है, नमूना बनाया है, उसको सामने रख कर अपनी ज़िंदगी को मुरतब करो। अच्छा, ये चीज़ इतनी अहम है कि हुजूर अली सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, आप देखिए आज के मुसलमान को कितनी अशद ज़रूरत है यानी अपने किरदार को बेहतर करने की। हमें हमारा दीन कहता है सच बोलो, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपका अच्छा जो है माशरे के अंदर एक रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर इस्लाम कहता है दयानतदारी करो, तो जब तक आप दयानतदारी करेंगे नहीं, आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि इस्लाम दयानतदारी का हुक्म देता है, तो कहने से नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक उसका रिजल्ट और नतीजा नहीं मिलेगा। प्यारे आका अली सलाम ने यही मामला फरमाया कि आपने कहने से पहले करके बताया, सुभान, यानी पहले एक चीज को किया, अमली तौर पर अपनाया, फिर वो लोगों के सामने दलील बना, फिर हुजूर अली सलाम ने फरमाया कि ये मेरा किरदार है 40 साल का। हुजूर अली सलाम ने 40 साल मुशरिकीन मक्का के दरमियान गुजारे, अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, अभी आपने ये ऐलान नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह एक है और मुझे नबी मानो, बल्कि 40 साल तक प्यारे आका अली सलाम उन मुशरिकीन मक्का के दरमियान रहे। हालांकि तारीख गवाह है कि वो माशरा कैसा था, वहाँ किस तरह की जुल्मतें थीं, वहाँ झूठ भी था, वहाँ शराब नोशी भी थी, वहाँ गुनाह भी थे, लेकिन इन तमाम तर खराबियों के बावजूद हुजूर अली सलाम की ज़िंदगी उनके दरमियान एक आईने की तरह थी, साफ और शफाफ थी, उसमें सच्चाई थी, दयानतदारी थी, अमानत थी। जैसे हमारे यहाँ लोग कह देते हैं ना कि भाई अब माशरे का रवैया ही ऐसा हो गया तो सबके साथ चलना पड़ता है, आप देखिए ना हमारे प्यारे आका अली सलाम माशरे के साथ नहीं चले, आपने माशरे की तकदीर को बदला, आपने ये बताया कि अगर माशरा बहुत ख़राब हो गया है, बददियानती है, झूठ है, दगाबाजी है, धोखा है, हुजूर ने ये हमें सिखाया कि तुमने अपने करेक्टर से उन तमाम बुराइयों को ख़त्म करना है। और फिर ऐसा ही हुआ, जब 40 साल पूरे हो गए तो हुजूर अली सलाम ने मुशरिकीन मक्का को जमा फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया, लेकिन ऐलान नबूवत से पहले इतना बड़ा दावा है तो उसके लिए कोई मजबूत दलील चाहिए। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बात कही जाए, लोगों को पिछले अपने आबाव अजदाद के दीन से पलटा जाए और उन्हें कहा जाए कि एक नया दीन, ये दीन है जिसको मानना है, तो इसके लिए तो बहुत मजबूत दलील चाहिए। हुजूर अली सलाम ने ये नहीं फरमाया कि देखो ये कुरान उतर रहा है, मेरे पास जिब्राइल अमीन आ रहे हैं, ये मेरी दलील है। हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया कि उस वक्त कि मैं तुम्हारे सामने कोई ऐसा मौजजा पेश करता हूँ, गोया कि जैसे चांद को भी आपने दो टुकड़े किया था, लेकिन उस वक्त नहीं कहा कि इन मौजजात को देख के मान लो मैं नबी हूँ। प्यारे आका अली सलाम ने लोगों के सामने सबसे मजबूत दलील अपना करेक्टर पेश किया, अपना किरदार पेश किया। हुजूर ने फरमाया बताओ अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन हमला आवर है, मेरी बात को मानोगे? सब ने यक जबान होके कहा कि हम आपकी बात की तस्दीक करेंगे। हुजूर ने फरमाया बिन देखे क्यों करोगे, तुम्हें तो चाहिए जाके पहले देखो कि कोई लश्कर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। उन्होंने कहा हम आपकी बात की तस्दीक बगैर देखे इसलिए करेंगे कि एक दो दिन की बात नहीं, आप 40 साल हमारे दरमियान रहे, इस 40 साल जिंदगी में आपने कभी झूठ बोला ही नहीं है, आप तो सादिक हैं, आप अमीन हैं, इसलिए हम आंखें बंद करके आपके उस किरदार को देखकर आपकी बात को कबूल करेंगे। हुजूर ने इतनी मजबूत दलील अपनी नबूवत पर पेश फरमाई, जब लोगों ने इकरार कर लिया कि हाँ हाँ हम आपकी बात को मानेंगे, आपके 40 साल हमारे सामने हैं, तो फिर आका अली सलाम ने फरमाया कि अब अगर मेरी बात मानते हो तो फिर इस बात को मानो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है। आप देखिए अपनी नबूवत पर दलील जिस चीज को आपने बनाया वो किरदार था। सो आज के मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी गुफ्तार से ज्यादा अपने किरदार को बेहतर करे। दुनिया में अगर उसने अपना चेहरा दिखाना है तो अपने किरदार के जरिए दिखाए। तालीमात बहुत शानदार हैं, सब कुछ है, लेकिन फर्क यह है कि हमारा किरदार जो है ना धुंधला है, उसमें कुछ खराबियां हैं, और इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हम प्यारे आका अली सलाम की सीरत को सामने रखें। अच्छा देखिए, इतनी शानदार सीरत है कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब की ज़िंदगी की कुरान में कसम उठाई है, फरमाया लाम रोका, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी की कसम। हालांकि अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया भेजे, किसी भी नबी की ज़िंदगी की कसम नहीं उठाई है। आप अली सलाम की ज़िंदगी पर अल्लाह को भी नाज है,
यानी वो इतनी शानदार सीरत है, इतना बेहतरीन किरदार है कि अल्लाह उसकी कसम उठा रहा है। तो अब तो हमारे लिए यानी कोई चारा-ए-कार ही नहीं है कि हम अपने सामने अगर रोल मॉडल बनाएं। देखिए उसकी खुशबुएं कितनी ज़्यादा हैं, वो कितनी पाकीज़ा ज़िंदगी है। दुनिया का उसूल ये है कि जब आप किसी शख्स को उसके करीब जाते हैं, जब आप उसको बहुत ज़्यादा जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो उसकी हकीकत सामने आती है। क्योंकि लोगों की आदत यह है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो पुरतकल्लुफ रहते हैं, यानी कोई भी काम करते हैं तकल्लुफन करते हैं, वो उनकी आदत का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए वो बाहर बहुत सोच समझ के और संभल के चलते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। लेकिन हुजूर की सीरत इतनी शानदार है कि आप कोई काम पुरतकल्लुफ नहीं करते थे, वो सारे अच्छे अखलाक, वो सारे उम्दा अखलाक वो आपकी आदत मुबारक थी, यानी वो आपकी आदत का हिस्सा थे। यही वजह है कि हमारे, और इसको समझने के लिए एक मिसाल से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी शख्स के करीब जाते हैं तो हम उस, अगरचे हमने उसकी शोहरत सुनी हो, अगरचे हमने उसका नाम सुना हो, लेकिन जब करीब जाते हैं तो उसकी हकीकत सामने आती है, फिर हमें पता चलता है कि नहीं, ये है तो बहुत शोहरत वाला लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है, इसका किरदार कुछ और है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है बहुत ही शोहरत याफ्ता लोगों के करीब रहने वाले लोग उनसे मुतनफ़िर हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन पर उनकी हकीकत आश्कारा हो जाती है। लेकिन हुजूर की सीरत का अगर पहलू देखना है तो जो जितना हुजूर के करीब रहा वो इतना आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा। वजह उसकी ये है कि हुजूर कोई काम तकल्लुफन फरमाते ही नहीं थे। अब देखिए जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हालांकि उसूल ये है कि पूरी दुनिया अगर आपकी मोतकद बन जाती है लेकिन जो बीवियाँ होती हैं ज़ाहिर वो तो बीवी की हैसियत से रहती है, वो इतनी जल्दी अपने शोहर की मोतकद नहीं होती है, अगरचे वो उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन यहाँ देखिए कि सबसे पहले आपकी ज़ौजा इस्लाम ले आती हैं, वजह उसकी यह है वो सबसे ज़्यादा आपके करीब रही, उन्होंने आपकी कुर्बत में रहकर देखा कि ये वो हस्ती हैं, इनका कोई काम तकल्लुफन नहीं है, इनकी आदत बड़ी शानदार है, इनके अखलाक बड़े बेहतरीन हैं और इन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। तो वो इतनी मुतासिर हुई कि हुजूर ने जैसे ऐलान नबूवत किया तो आपने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह देखें सबसे पहले मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, हालांकि वो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं। और यहाँ भी दुनिया का उसूल यही है कि अगर आप कोई अच्छा मकाम मरतबा हासिल करते हैं सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन करीबी जो दोस्त होता है वो बोलता है भाई हम तो आपके दोस्त हैं, हम तो आपसे एक याराना रखते हैं, हम तो उसी तरह आपके साथ बेतकल्लुफ जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहाँ देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक करीबी दोस्त हैं, सबसे पहले इस्लाम कबूल करते हैं, इसलिए कि वो आपके किरदार से मुतासिर थे, उन्हें पता था कि ये काम तकल्लुफन नहीं हो रहा। इसी तरीके से बच्चों में देखें आप तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं, आपके घर में रहते थे, आपके करीबी अहवाल जानते थे। अलगर्ज जो जितना आपके करीब गया उसने इतना आपकी हकीकत को पहचाना और आपकी हकीकी ज़िंदगी इतनी शानदार, इतनी खुशबू वाली, इतनी बेहतरीन कि उसको पहचानने के बाद वो आप पर ईमान ले आए, वो आप पर जो है ईमान लाने के बाद आपके खिदमतगार बन गए, आपके मददगार बन गए। सो आज हमें भी अपनी ज़िंदगी को, अपने किरदार को एक पाकीज़ा तरीके से उम्दा खुशबू वाला बनाना है। हमारी गुफ्तगू में नरम मिजाजी होनी चाहिए, हमारे रवैयों में नरम मिजाजी होनी चाहिए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए, हमें एक दूसरे के हुकूक उसका ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी गुफ्तगू के अंदर यानी सच्चाई को पैदा करना चाहिए, हमारे जो मामलात हैं लेन देन हैं, अच्छा ये सारी जो चीज़ें हैं उम्दा और बेहतरीन ये सब की सब अगर हमें मिलेंगी तो प्यारे आका अलैहि सलाम की ज़िंदगी से मिलेंगी, आपकी सीरत तय्यबा से मिलेंगी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुबारक महीने में विलादत बासआदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में कम अज़ कम हम ये अहद कर लें कि हम हुजूर की सीरत का कोई एक बाब, कोई एक पहलू उसे हम पढ़ें, उसे हम सुनें, उसे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें ताकि हमारी ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाए और हमारी कामयाबी की राह भी अल्लाह ने हुजूर की सीरत में ही जो है पोशीदा रखी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब, बहुत रूह को तस्कीन मिली सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानकर हमें। तो इतनी खूबसूरत हमारे नबी की सीरत है कि पूरी अगर हम पूरी ज़िंदगी भी गुजार दें तो उनकी खूबियाँ हम बयान नहीं कर पाएंगे। रुबीना आपकी आवाज़ में कलाम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल मेरी, रसूल मेरी,
करम की हो एक निगाह हम पर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। जो कल खुदा ही जाने ये राज बेहतर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। खुदा ही जाने ये राज बेहतर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। कभी ऐसी हाजरी हो, कभी ऐसी हाजरी हो, दरे मुस्तफा पे मेरी। कभी ऐसी हाजरी हो दरे मुस्तफा पे मेरी, कभी ऐसी हाजरी हो, मेरे सामने हो रोजा, मुझे मौत आ रही हो, मेरे सामने हो रोजा, कभी ऐसी हाजरी हो, कभी ऐसी हाजरी हो, मैं खुदा से मांगता हूँ ये दुआ कसम खुदा की, मैं खुदा से मांगता कभी ऐसी हाजरी हो, कभी ऐसी हाजरी हो, कहीं मौत मुझसे जिस दम, तेरा वक्त आखरी है, कहीं मौत मुझसे जिस दम, कभी ऐसी हाजरी हो, कभी ऐसी हाजरी हो, मेरे दिल में आरजू है, अभी जान दो लिपट के, तो सुनहरी जालियों को मेरी आंख चूमती हो। कभी ऐसी हाजरी हो। अल्लाह रुबीना, बहुत खूबसूरत। इसी के साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक का टाइम हो गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। मेरे मौला करम हो
करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला। फेवरेट मॉर्निंग शोज़ का नाम मुस्कुराते सुबह बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जाने। मुफ्ती साहब, जैसे आपने खूबसूरत गुफ्तगु फरमाई और हम लोग जो बात कर रहे थे, तो आजकल के ज़माने में प्रैक्टिकल लोग नहीं करते, मतलब बातें हम करते हैं, सुनते भी हैं, ईमान भी हमारा ताज़ा होता है, लेकिन जब हम पे कोई ऐसा वक्त आता है या हमारा कोई दिल दुखा देता है या कोई हमारा जो ऐसा हमें तीज़ कर देता है, हमसे हसद करता है, तो हम आगे से बदला लेने की हमारी चाहत जो है वो उजागर होती है, तो उस वक्त इंसान क्या करे? देखिए, यही मैंने गुजारिश की थी कि असल बात यह है कि गुफ्तगु बहुत अच्छी होगी, हमारे पास हमारी तालीमात बहुत शानदार हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आ जाएं। और सीरत रसूल से ही इस आपके सवाल को लेते हुए मैं रहनुमाई करने के लिए इशारा करूंगा कि देखिए, प्यारे आका अली सलाम ने जितनी भी चीज़ों का उम्मत को हुक्म दिया है, उन सारी चीज़ों में अगर हम गौर से पढ़ें और देखें, जायज़ा लें बनज़र आमीक, जब हम देखते हैं बादियुन नज़र में, तो प्यारे आका अली सलाम ने हर चीज़ को पहले बहुत ज़्यादा ख़ुद अमल करके बताया। यानी इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि आपने उम्मत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ख़ुद अमल फरमाया, और अमल करने का मकसद ही ये था ताकि जो जिन अफराद को तालीम दी जा रही है, जिनको सिखाया जा रहा है, पहले वो ये बात देख लें कि जो उनके रहनुमा हैं, जो उनके कायद हैं, यानी प्यारे आका अली सलाम, वो ख़ुद कितना ज़्यादा अमल करके बता रहे हैं। जैसे हमें कहा कि भाई अदल करो, इंसाफ करो, हम बड़ी मिसालें देते हैं, जब हम देखते हैं हुजूर की सीरत में, तो सबसे ज़्यादा आपने ख़ुद अदल फरमाया, सबसे ज़्यादा आपने इंसाफ फरमाया। अच्छा, आपके इरशादात हैं कि भाई दूसरों के साथ नरमी करो, रहम करो, मेहरबानी करो। अब जब आपकी सीरत देखते हैं, तो आपने नरमी करने में, मेहरबानी करने में, रहम करने में, यानी सारी हदूद ही क्रॉस कर डाली, इतना ज़्यादा लोगों से दरगुजर किया, इतना ज़्यादा माफ़ किया, यहाँ तक कि अपनी जान के दुश्मनों को भी माफ़ करके बता दिया। अब देखिए ना, सिर्फ अगर अपने कौल से आप फरमाते तो वो भी हुक्म इलाही है, हमें अमल करना होता, लेकिन हुजूर अली सलाम ने प्रैक्टिकली ख़ुद करके बताया ताकि बाद में आने वाले लोग जो उम्मती हैं वो देख सकें कि उनके प्यारे नबी ने किस तरीके से दुश्मनों को भी माफ़ किया था, किस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ नरमी का मामला भी फरमाया था, शफ़क़तें भी फरमाई थी। अच्छा, किस तरीके से उनका रवैया था। अब ज़्यादातर जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है ना, हमारे मिजाज थोड़े से सख्त हैं असल में। आजकल जितने भी माशरे के अंदर बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि हमारे रवैये बहुत सख्त हैं, हम नरम दिल नहीं हैं, हम किसी के साथ भी हमारा कोई मामला थोड़ा सा भी ऊँच नीच होता है तो हम चाहते हैं कि फौरन इंतकाम लें, और बहुत सख्ती से हम पेश आते हैं। और यही वो इंसानियत का हुसन है कि ऐसे मौके पर आप जाकर दरगुजर करने वाले बने, आप माफ़ करने वाले बने। देखिए, प्यारे आका अली सलाम के अंदर यही बात थी कि जिसको अल्लाह ने कुरान में बतौर तहसीन भी बयान फरमाया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कहा ए महबूब, आप पर अल्लाह की खास रहमत है, आप बहुत नरम मिजाज हैं, यानी आप आने वाले दुश्मनों को भी बजाय इसके कि कम अज़ कम दुश्मन से बराबरी का इंतकाम लिया जाए, आप उसे उल्टा नवाज दिया करते थे, यानी उसे कुछ दे कर ही भेज दिया करते थे, माफ़ तो कर ही दिया लेकिन उसे कुछ नवाज भी दिया। लेकिन हमारे रवैये बड़े सख्त हैं, हमारे मिजाज में बहुत सख्ती है। देखें, हुजूर अली सलाम की जो सीरत है ना, उसको हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर आप हुजूर की सुन्नत को अपनाएंगे, क्योंकि सीरत हुजूर की सुन्नत है, तरीका है, सुन्नत तरीके को बोलते हैं, हुजूर के जितने भी तरीक़े हैं वो सीरत कहलाती है, वो सुन्नत कहलाती है, अगर आप उसे अपनाएंगे, अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो मैं एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ कि आप समझ लें कि हुजूर की दुआओं में आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर अली सलाम अगर किसी के लिए दुआ फरमाएं, प्यारे आका अली सलाम अगर किसी के लिए दुआ करें, तो आप देखें कि क्या उनकी दुआ के कबूल होने में शक है। वो तो अल्लाह के महबूब हैं, अगर वो दुआ किसी के लिए फरमा दें, और जिन जिन के लिए हुजूर ने दुआएं फरमाई, आपकी सीरत और अहदीस में बड़ा वाफिर मकदार में ज़खीरा मौजूद है, उनको अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई, उनकी औलादों को इतनी बरकतें अता फरमाई कि लोग उसकी मिसाल पेश करते हैं। तो अगर हम हुजूर की सीरत अपनाते हैं, अगर हम हुजूर की सुन्नत तरीका अपनाते हैं, तो हुजूर ने हर उस शख्स के लिए दुआ फरमाई है जो हुजूर के तरीके को अपनाता है, वो समझ ले कि वो कितना खुशनसीब हो जाएगा। एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए
जो नमाज असर से पहले सुन्नत अदा करे, यानी हुजूर दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह उस पर रहम फरमाए। अब देखिए अल्लाह है ही रहीम, वो रहम फरमाने वाला हुजूर रहमत लिल आलमीन, और आपकी जबान अब तक से दुआ निकल रही है कि जो मेरी सुन्नत को अपना रहा है, मेरे तरीके को, उस पर अल्लाह रहम फरमाएगा। सो ये सोचने वाली बात है कि हुजूर की सीरत और सुन्नत को अपनाने में ही हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इंतहाई बाबरकत और खुशगवार हो जाएगी, क्योंकि उसमें अल्लाह का रहम शामिल हो जाएगा, उसमें हुजूर की दुआएं शामिल हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी इंतहाई मुतवर्रक बन जाएगी। और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि जब ऐसा वक्त आ जाए, जब ऐसा ज़माना आ जाए, जब लोग मेरी सीरत को छोड़ दें, जब लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ दें, दुनिया की तरफ बहुत ही मसरूफ हो जाएं, फरमाया उस वक्त में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को भी जिंदा कर ले, सुभान अल्लाह, कोई मेरे एक तरीके को भी अपना ले, तो फरमाया उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि दर्जा कितना बुलंद मिल रहा है और हुजूर की दुआ भी शामिल हो रही है। इसलिए हमारी कामयाबी इसमें है कि हम हुजूर की दुआओं में अपना हिस्सा शामिल कर लें। प्यारे आका तो बड़ी मोहब्बत फरमा रहे हैं, वो उम्मतियों को दुआएं दे रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों को नवाज रहे हैं जो हुजूर की सुन्नत को अपना लेते हैं, जो हुजूर की सीरत को। अच्छा, फ़ायदा भी हमारा है दुनिया में भी, कब्र में भी, आखरत में भी, और साथ में आप देखें कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आज हर शख्स ये चाहता है, अगरचे उसका रवैया सख्त भी हो, अंदर से बुरा भी हो, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें, बिल्कुल, फिर भी वो चाहता है कि मैं ऐसा इंसान बन जाऊं कि बस हर एक मेरे ही गुण गा रहा हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम काबिले तारीफ हो जाएं, लोग दिल से हमारा एहतराम करें, क्योंकि एक एहतराम तो वो होता है ना जो आप ताकत के जोर पे करवा लेते हैं, जो आप जबरदस्ती करवा लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना दिलों में एहतराम पैदा हो जाए, तो वो आपके अच्छे किरदार से पैदा होता है। अगर आपका अखलाक अच्छा है, आपका रवैया अच्छा है, आप नरम मिजाज इंसान हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, लोगों पे एहसान करने वाले हैं, तो हर शख्स आपसे मोहब्बत करेगा, हर शख्स आपका एहतराम करेगा। तो वो ताकत वाला एहतराम एहतराम नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं दिल में एहतराम पैदा हो, लोग आपकी इज्जत करें, आप एक अच्छे इंसान के तौर पर याद रखे जाएं, तो फिर उसका तरीका यही है कि आप अच्छे इंसान बन जाएं और वो हुजूर की सीरत से बनेंगे। और जिन लोगों ने भी, मैं एक दो मिसालें दे के बस बात को, गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, जिन लोगों ने भी हुजूर की सीरत को अपनाया वो अच्छे इंसान बने, और आज हज़ारों साल गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों में उनका एहतराम है। आप बड़े बड़े औलियाए कराम का नाम सुनते हैं, आप बड़े बड़े जो है उलामा मुफ्तियाने कराम का नाम सुनते हैं, हज़ारों साल पहले दुनिया से चले गए, लोग आज उनकी कब्रों पे भी जाते हैं, लोग उनके मज़ारात पे भी जाके दुआएं कर रहे होते हैं, लोग अपने बयानात में, अपनी गुफ्तगू में उनकी मिसालें पेश करते हैं, लोग उनका नाम एहतराम से लेते हैं। उसके अंदर एक ही वजह थी कि उन्होंने हुजूर की सीरत को अपनाया, सुन्नत को अपनाया, वो इतने अच्छे इंसान बन गए कि उस वक्त भी लोग एहतराम करते रहे, आज दुनिया से चले गए लोग अब भी एहतराम कर रहे हैं, लोग अब भी अच्छे लफ्ज़ों में। आप देखिए किसी हाकिम वक्त को, बहुत पैसे वाले को लोग अच्छे अल्फाज में नहीं याद करते, लेकिन किसी नेक बंदे को जरूर याद करते हैं। अच्छा, नेक होता ही वो है जो हुजूर की सीरत अपनाता है, क्योंकि आप नेक उसे ही कहते हैं जो हुजूर की सीरत के मुताबिक चलता है। हुजूर की सीरत में ही तो सारी नेकियां हैं, उसी में तो सारी भलाइयां हैं। हुजूर फरमाते हैं खैरुन नास मन यनफउन नास, फरमाया लोगों में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो नफा बख्श बन जाए, जिसकी जात से दूसरों को नफा पहुंचे। जरूरी नहीं है कि आपके पास माल होगा तो आप लोगों को नफा पहुंचाएंगे, नहीं नहीं, आपका रवैया भी नफा पहुंचाता है, आपका अच्छा मशवरा भी नफा पहुंचाता है, आपकी अच्छी बात भी लोगों को नफा पहुंचाती है, आप किसी को तसल्ली दे देते हैं वो भी लोगों को नफा, कोई आपसे मशवरा मांगे, कोई राय मांगे, कोई बात पूछे, आप सच्ची बात करें, तो ये चीजें भी दूसरों को नफा पहुंचाती हैं। आप किसी के लिए दुआ खैर कर दें, अच्छे कलिमात अदा कर दें, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो लोगों को नफ़ा पहुंचाती हैं। और जब आप लोगों को नफ़ा पहुंचाने लगते हैं ना, तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान बनते हैं, फिर लोगों के दिलों में आपके लिए एहतराम पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, लेकिन यहाँ पर तो मसला ये, जो अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी कर रहा होता है, लोगों को माफ़ करने की कोशिश कर रहा होता है, हुसन अखलाक अपनाता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, तो दूसरे जो लोग हमारे माशरे में सराउंडिंग में होते हैं वो कहते हैं कि तुम जो ये कर रहे हो ये फजूल है, और वो इंसान जो अच्छे काम कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं उसका ईमान जो है वो डगमगा जाता है, तो फिर वो ऐसी सूरत हाल में क्या करे? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि चूंकि हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो आपकी हर बात को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, वो चूंकि खुद नेगेटिव होता है वो शख्स, उसकी सोच जो है ना मनफी होती है, तो वो दूसरे के अच्छे करेक्टर को भी मनफी बनाकर
पेश करने की कोशिश करता है। इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं, उसका एक रीज़न ये होता है कि वो हसद करता है आपसे, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि ये शख्स अच्छा इंसान बने। होना तो ये चाहिए कि जो अच्छा बन रहा है उसकी तारीफ़ की जाए, उसको अच्छा करार दिया जाए, लेकिन ये उसूल अब से नहीं है, ये हज़रत आदम अलैहि सलाम से चल रहा है। याद रखिएगा कि जब आप अच्छे काम करते हैं तो दूसरी तरफ शैतान आड़े आ जाता है। शैतान खुद किसी शक्ल व सूरत में सामने नहीं आता, वो इसी तरह लोगों के रवैयों की सूरत में आता है, वो लोगों की इसी तरह की गुफ्तगू की सूरत में आता है कि वो मनफी सोच पैदा करता है। लेकिन हमारा काम ये है कि हमने उसको शिकस्त देनी है, यानी हमारी सोच ईमान इतना मजबूत मुस्तहकम होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमें यकीन कामिल होना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और मैं मुतमईन हूं, मुझे इस पर अल्लाह अजर अता फरमाएगा। वरना अगर ये बात ना होती तो आपको, आप देखें ना कि हुजूर अली सलाम की सीरत को ही देख लें इस पहलू में कि आप अली सलाम इमामुल अंबिया हैं, आप सबसे ज़्यादा अच्छे थे, इसके बावजूद लोग आपके दुश्मन क्यों बने? वजह ये थी ना कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो आपको पेश आई। इसीलिए हुजूर अली सलाम की सीरत में ये भी नमूना है कि मैंने कहा ना कि जो भी बात हमें पेश आए हमें चाहिए उसे उठाकर हुजूर की सीरत में देख लें, हमें जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब हुजूर की सीरत में मिल रहा है कि आप अली सलाम सबसे ज़्यादा अच्छाई की तालीम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा अदल व इंसाफ, पूरे माशरे को आपने हिदायत और रोशनी फराहम की, इसके बावजूद लोग आपके भी दुश्मन थे, आपको जंगें भी करनी पड़ी, आप खुद ज़ख्मी भी हुए, अच्छा लोग जुमले भी कसते थे और इस तरह के अशार भी पढ़ते थे, यानी हर तरीके से आपको अजियत पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन आका अली सलाम ने हमें ये सिखाया कि तुमने साबित कदम रहना है, बुराई करने वालों के साथ नहीं मिल जाना बल्कि उस बुराई का रास्ता रोकना है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि कुरान की वो आयात इस्तिकामत वाली, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू, यानी हमें अपने उस अच्छे अमल पर मुदावमत, मुवाज़बत और हमेशा की इख्तियार करनी है और इस्तिकामत के साथ चलना है। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, मैं ये चाहती हूँ नाज़रीन मोहतरम कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, उनकी सीरत में से अगर 1% भी हमारे अंदर आ जाए ना तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी और हमें दुनिया में भी जन्नत मिलेगी और आखिरत में भी जन्नत मिलेगी। तो इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाज़त, इंशाल्लाह पीर को आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फिर अमान अल्लाह हाफिज़। जाते जाते रुबीना आपकी आवाज़ में कलाम शामिल करें। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है, नगर उजड़े बसाता है, नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नाम ऐसा है, मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहम्मद नाम ऐसा है। दुरूदों की महक से महफिलें आबाद होती हैं, आबाद रहती हैं, हमारे घर सजाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, हमारे घर सजाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहम्मद नाम नाम ऐसा है, मोहम्मद नाम ऐसा है।
नाम ऐसा है। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।